हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यसार मेडिकल लाइन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं बीके वर्मा, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन काउंसलर। आज हम लोग एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करेंगे जो है गुड हेल्थ कैप्सूल। गुड हेल्थ की हम लोग कंपोजिशन जानते हैं और इसका इंडिकेशन यूज जानते हैं, ये किस किस पेशेंट को लेना चाहिए और किस किस पेशेंट को नहीं लेना चाहिए गुड हेल्थ, और इसको कैसे यूज करना है, कैसे बॉडी में वर्क करता है जाके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गुड हेल्थ कैप्सूल का पूरा डिटेल। गुड हेल्थ की अगर जो है कंपनी की बात किया जाए, जो ओरिजिनल आता है वो डॉक्टर विश्वास कंपनी का होता है मैन्युफैक्चर्ड। और अब इसका जो है हम लोग यूज जानते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा सुगंधा है, विदानिया सोमनीफेरा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हुए हैं जो मतलब डाइजेशन पे भी वर्क करते हैं और लीवर को स्ट्रांग करते हैं। और इसकी यूज की बात किया जाए तो इसकी जो यूज है, अगर किसी पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है या मतलब भूख नहीं लगती है पेशेंट को, या बॉडी जो है गेन नहीं होती है, मसल्स नहीं बढ़ता है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दुबला पतला है उसको जो है मोटा होने के लिए दिलाया जाता है, तो बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट आता है इसको खाने से। लेकिन इसको खाने का तरीका सिस्टम अलग अलग है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे लेना है, कितने दिन तक खाना है, डोज कैसा है इसको। इसको अगर स्टार्ट किया जाए तो वन टेबलेट जो होता है, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, इसको जो है एक महीने तक रेगुलर सुबह शाम दिलाया जाता है पेशेंट को। उसके बाद जो है इसको एक टाइम पे शिफ्ट कर दिया जाता है पेशेंट को, एक महीना तक सुबह शाम, फिर दूसरे महीना दो महीना लगातार खाएं तो एक टाइम, उसके बाद तीसरे दिन तक कुछ दिन खाया जाए, उससे जो होता है कि हैबिट नहीं पड़ती है पेशेंट को और एकदम अच्छे से धीरे धीरे वर्क कर जाता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसे कम साइड इफेक्ट होंगे। और इसके साथ में अगर किसी प्रकार का जो है मल्टीविटामिन का सीरप, जैसे A to Z गोल्ड हो गया या हेल्थ ओके सीरप हो गया, मल्टीविटामिन का अगर सीरप ऐड करा दिया जाता है तो उससे एकदम बहुत बॉडी में स्ट्रांग बन जाता है, मतलब जो मल्टीविटामिन की डिफिशेंसी होती है वो भी पूरा हो जाता है, इसे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब हम लोग इसका जो है MRP की बात करते हैं, तो MRP जो है एक डिब्बी यानी 50 कैप्सूल होता है इसमें, तो इसकी MRP 220 रुपया होती है। तो आप किसी भी काउंटर पे जाके खरीद सकते हैं इसको। और अब हम लोग इसका बात करते हैं साइड इफेक्ट की। अगर साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो अगर कोई क्रोनिक मतलब लीवर पेशेंट है, गुर्दा का पेशेंट है या कार्डियक पेशेंट है, उसको वो बिल्कुल ना ले, क्योंकि इससे जो होता है कार्डिया को लीवर में थोड़ा डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, तो इसलिए वो लोग बिल्कुल ना ले जिनको जो है कार्डियक प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, इनडाइजेशन डाइजेशन में दिक्कत हो, बिल्कुल ना ले। और इसको लेने से जो है थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट यही होता है, लीवर थोड़ा दिक्कत करता है, गुर्दे में दिक्कत करता है। और अब हम लोग जो है इसका पूरा डिटेल अब बात कर लिए हैं। और दोस्तों, आप लोग को अगर ऐसी वीडियो मतलब आप लोग को पसंद में आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।